भरा बड़ा जो ओडिशा बॉर्डर में है, पूरा बंगाल सटल है, यदि वहां के वीडियो बड़का गांव आता है और हमारे 80 साल के दादू या दादी ऊपर से बात करे जीता है तो वीडियो अगर भाषा समझ में आते तो वीडियो के कर्तव्य है कि ना है कि हमारे दादू और दादी के भी समस्या के सुनना है कि ना है। अब वीडियो भाषा के समझना है, दादी वीडियो वाला भाषा समझना है कि भाई सकल है जियो कुछ बातें नहीं रह सकते। लेकिन यदि भाषा नेसेसरी रहतला है कि आपको हर हाल में यहाँ की जनमानस की भाषा भावना को समझना है तो भले वीडियो आप घर करने का है लेकिन बड़का गांव की भाषा अलग है तो बगल में वो ट्रांसलेटर का नौकरी पैदा हो जाता है। झारखंड प्रदेश में कई क्षेत्रीय भाषा बोले जाते हैं, लगभग 9-10 क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं प्रमुखता से, बंगला भी है, उड़िया भी है, संथाली भी है, हो भी है, मुंडारी भी है, कुड़ुक भी है, खोटा भी है, कई भाषा तो बंगला से मिलता जुलता भी है। तो इस तरीके से अनेकों भाषा यहां बोली जाती है। तो हमने उन पदाधिकारियों से पूछा कि आप हमें बताएं कि आप लोग इस राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं को कितने पदाधिकारी जानते हैं। तो मैं सुनकर देखकर आश्चर्य रहा कि कोई भी पदाधिकारी ये नहीं बता पाया कि मैं बंगला बोल सकता हूं, संथाली बोल सकता हूं, हो बोल सकता हूं, उरा बोल सकता हूं, कुड़ुक बोल सकता हूं। तो मैंने कहा कि जिस राज्य में आपकी पोस्टिंग हुई, जिस राज्य का आप कैडर बने, अगर उस राज्य के भाषा को अगर आप नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे तो असंभव है कि उस राज्य का सर्वांगीण विकास की परिकल्पना की बातों को पूरा कर पाना। जब तक आप आम लोगों की कनेक्टिविटी को आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, संवाद आपका नहीं हो पाएगा किसी भी व्यक्ति से, चाहे गांव में हो, शहर में हो। हमारे यहां तो अगर हम रांची शहर के 15-20 किलोमीटर दूर अंदर गांव की अगर चल पड़े तो कोई हिंदी नहीं बोलता है, हम सिल्ली चले जाए तो कोई हिंदी नहीं बोलेगा, सब बंगला बोलेगा। इधर थोड़ा सा हम इधर गुमला तरफ आगे बढ़ जाए तो कोई हिंदी नहीं बोलेगा, सब मुंडारी उरा बोलेगा। तो इस तरीके का हमारा राज्य की संरचना है। अगर जिला का डीसी, एसपी, कलेक्टर, मैं नहीं कहता हूं कि उनको इन भाषाओं में डिग्री लेनी है, लेकिन कुछ भाषाएं टूटी फूटी तो उनको सीखनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप किसी को कैसे आप पूछ सकते हैं कि आपको बिजली मिला कि नहीं, पानी मिला कि नहीं, सड़क गया कि नहीं। अगर वो पदाधिकारी या स्थानीय भाषा नहीं जानता है तो यह संभव नहीं है कि सरकार कितना भी जोर लगा ले चीजें धरातल पर स्थापित नहीं हो पाती। और सब राज्यों को देखिए, कई राज्य अपने भाषा के बदौलत, कई देश अपने भाषा के बदौलत, कई जगह तो हमने ये देखा है कि जानते हुए भी हिंदी या अंग्रेजी उसको छोड़कर अपने ही स्थानीय भाषा में उनकी पूरी परिचलन चलती है।